नहीं है अम्मा, बस इतना कहा मैंने कि आज रसम के वक्त कार्तिक को भी होना चाहिए। एक बार लक्ष्मी और कार्तिक की बात होनी चाहिए। जब वो रसम के वक्त नहीं आया तो मेरे मन में खटका सा हो गया, क्यों नहीं आया वो? क्या उसकी जिंदगी का ये बड़ा फैसला नहीं है? क्यों खुश नहीं? अगर वो खुश नहीं है तो बात्री मौसी इसका रिश्ता लेकर क्यों आती? अरे माँ है उसकी, कोई दुश्मन नहीं। पर मंगल ये भी तो, मंगल सही तो कह रही है, और कुछ नहीं तो अपनी रस्म के लिए कार्तिक को वहां आना चाहिए था। आप बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। क्या कार्तिक को आना चाहिए? ये कैसी सिद्ध है? अभी गया था मंगल को देखने या मिलने? दोनों खुश है ना अपनी शादी से? है कोई प्रॉब्लम? बताओ मंगल, है कोई समस्या? मंगल से हुए कार्तिक के घर वाले नाराज, मंगल की हरकत से हुई कुसुम नाराज। दरअसल मंगल की सुई एक जगह पे अटकी हुई होती है कि आखिर कार्तिक लक्ष्मी को देखने क्यों नहीं आता, और कुसुम को ऐसा लग रहा है कि मंगल को उस पे भरोसा नहीं है। लेकिन मंगल कुसुम को समझाती है कि वो कार्तिक के बारे में बस इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो चाहती है कि लक्ष्मी और कार्तिक को आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, और कार्तिक बस एक बार कह देता कि उसे ये रिश्ता मंजूर है तो अच्छा होता। अदिति मंगल को कहता है कि कार्तिक को अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं होता तो मौसी जी यहाँ क्यों आते? और वही चीज कुसुम मंगल से कहती है कि तुम्हारी शादी भी ऐसे ही हुई थी, अदिति ने तुम्हें नहीं देखा था, तो क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी में? मंगल कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा तुम कहती हो कुसुम, तुम्हें क्या लगता है मंगल और अदित के बीच में सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है? वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। साफ साफ दिखाई देता है कि अदित मंगल से खुश नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। यहां तक कि उसने तो यह भी कह दिया था कि उसकी और मंगल की शादी एक गलती थी। शायद इसी वजह से मंगल चाहती है कि कार्तिक रसम में हाजिर रहे, लक्ष्मी से बातें करे, अपनी रजामंदी दे। 15 साल पहले हमने इन लोगों के साथ जो किया वो सही नहीं था शायद, पर उसी गलती को मंगल सुधार रही है, तो इसमें गलत क्या है? Kusum and Adita still furious exchange look.